वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम यू एंकी पैंकी। होप सो आप सब अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग ने बहुत मस्ती करी होगी, इधर उधर घूमने गए होंगे आप सभी लोग। और दो तीन दिन से चैनल में वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो गई थी, बट अब दोबारा मैं मोटिवेट हो चुकी हूँ। आज 1 जनवरी है तो मैंने ना आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए अच्छे काम की। और आपका आगे का साल, आने वाला साल काफी मस्त बिंदास जाए यार। आप लोग खूब सारे इन्जॉय करो। आप सब सोचोगे यार अंकिता पैक वैक होकर बैठी हो, क्योंकि यार ऋषिकेश में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। जब मैं सुबह उठी और यार इतना ज्यादा कोहरा लग रखा था भाई साहब, क्या कहने को रहेगा। इसलिए मैंने डैडी की जैकेट वैकेट पहन ली। बहुत ज्यादा गर्म है और एकदम रिलीफ मिल रहा है इसमें। विंटर्स में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हम घर पे बैठते हैं, चाय पकौड़े इंजॉय करते रहते हैं। और आप सब ने भी करे होंगे यार विंटर में चाय पकौड़े इंजॉय। अभी नाइट का टाइम है, डिनर विनर सब करके मैं बैठी हूँ। मैंने ना यार अपना पास कैमरा पड़ा है सामने, तो मैंने ना व्लॉगिंग दोबारा से शुरू कर दी जाए। तो आ गई हूँ मैं दोबारा व्लॉगिंग करने के लिए। और अब कुछ इस बार नया बिंदास करने की कोशिश करेंगे आप सबके लिए। आप लोग अपना यूं ही प्यार देते रहना। अभी मैं चली सोने। हे गाइस गुड मॉर्निंग। और जस्ट यार अभी सो गया हूँ मैं और बस गाली खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया। टाइम पता है आपको कितना हो गया, 10 बज चुके हैं। बाहर मौसम खिल के आ गया, धूप आ गई है, सब आ गई है, बस मैं ही नहीं उठी। सबने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, बट मुझे पढ़ने वाली है गालियाँ बहुत सारी। इससे पहले ही गालियाँ पड़े मुझे जल्दी से उठ जाती हूँ। घर का सारा काम निपट चुका है, तो भाई ने कहा मुझे कि यार हलवा खाने का मन हो रहा है, तो मैंने ना चलते ले हलवा बना देती हूँ जल्दी से। अभी मैंने सूजी ऑयल में डाली है, तो इसे हल्का भून लेती हूँ जब तक ब्राउन नहीं होती। फिर एक साइड मैंने गर्म पानी भी रखा है, तो जैसे ये भून जाएगी, ब्राउन ब्राउन दिख जाएगी, तो तभी इसमें गर्म पानी भी डाल देंगे, फिर बन जाएगा हमारा एकदम बढ़िया हलवा, तैयार हो जाएगा। ऐसे ही होता है शुरुआत में हलवा, अभी इसको पता चल जाएगा कि इसको कितने पानी की नीड है। हलवा बन गया था कुछ इस तरह से, वो मैंने खा भी लिया, तो मैंने बाद में दिखाया आपको ये कढ़ाई में, तो इसको रख देते हैं ढका के। और धूप देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी बन रही है। अब होने वाला हमारा दिन का खाना रेडी। मौसम खुल चुका है, धूप देखो जरा कितनी प्यारी आ रही है। देखो जरा सूर्य देवता कितनी मस्त मस्त किरणों के साथ अपनी आ रखी है आज। और थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, बट कोई बात नहीं, चलता है। हम आ गए हैं आज अपनी चूल्हे वाली साइड की तरफ, जिस साइड हमारा चूल्हा है, और आज हम चूल्हे में बना रहे हैं हरी सब्जी। तो आजकल तो हरा ही हरा चल रहा है हमारे घर में, क्योंकि यार हमारे खेत में इतनी ज़्यादा हरियाली हो रखी है, मतलब हरा धनिया, हरी सब्जी, हरी राई, सब हरा हरा हो रखा है, हरे बीन्स। लकड़ी चूल्हे के आग जलाने के लिए, यहाँ पे हमारी ये छोटी सी ओखली, इसमें लहसुन वसन पीसे होंगे, हाँ ये जो डाल देंगे हमारे मसाला दानी। और ये हमारा प्यारा सा चूल्हा जिसमें आग जल रही है, और ये बन रही है हमारी हरी सब्जी। कितनी प्यारी लग रही है एकदम बढ़िया बढ़िया हरी हरी। तो इसके हम बनाने वाले हैं काफली, ये हमारे गढ़वाल में ज़्यादा बनती है, और आप लोग साग वगैरह कहते होंगे, हमारे ऐसे कहते हैं काफली। तो कितनी हरी भरी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है चूल्हे में। और बहन यहाँ पे अभी इसे मिक्स करिए। और ये कढ़ाई आपको पता है बहुत स्पेशल होती है, ये होती है लोहे की कढ़ाई, इसमें खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। जो जो बनाते होंगे उन्हें पता होगा कि लोहे की कढ़ाई में खाना कैसा बनता है, एकदम बढ़िया। इसमें खासकर जैसे मोटी दाल राजमा दाल बनाते ना, तो इसमें बनाते हैं, और हरी सब्जी वगैरह, इससे हमें आयरन मिलता है, इसलिए बनाया जाता है। आग देखो कितनी बढ़िया जल रही है। मौसम के साथ साथ हम यहाँ पे आग भी सेक लेंगे। घर पे बोर हो रहे थे, तो चला जाए कहीं चाची के यहाँ जाते हैं। यार बहुत दिन से लगाया अपना न्यू ईयर तो ऐसे ही कटा, पता नहीं अपने अच्छे दिन कब आएंगे। चलो कोई नहीं, काम करते रहो, फल मत गिनो, है ना, मिल ही जाएगा कभी ना कभी। और आजा जल्दी, आजा वीरे जल्दी आजा, फिर घर जाके खाना भी खाना है या। तो गाइस जा रहे हैं अभी, और मौसम देखो दोबारा ख़राब होने वाला है, धीरे धीरे होने वाला है, क्या हो ही गया मौसम ख़राब। आजा जल्दी, एक घंटा लगाएगा यार तू, मत बोले छोड़ दिया। चले दिए मुझे अपनी पतंग कन्नी बांधने के लिए, तो ये मैं पतंग कन्नी बांधूंगी, फिर बच्चों से हड़प के उड़ाने भी लग जाऊंगी। तो पतंग का मौसम भी आ गया है, कन्नी बांधनी है ना दक्ष इसकी बढ़िया करके। चल रहा है, देखो छेद तो मैंने कर दिया गाइस, ये देखो दिख रहे हैं आपको, ये देखो छोटे छोटे ये वाले, ये छेद मैंने कर लिया, अभी पतंग भी उड़ाऊंगी, इसकी कन्नी बांध लूँ पहले मैं जल्दी से। हे गाइस, तो दिन का लंच करने के बाद सोने चल गई थी, और पहले तो नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई, इतनी भयंकर नींद आई ना, फिर बहुत ही भयंकर। अब बज चुके हैं 7, और भाई ने चाय बना के दे दी एकदम बढ़िया सी, तो जस्ट अभी खड़े उठ रही हूँ। नन्नू आ चुके हैं घूम फिर के, और देखो कूद के चले भी गया है। हमने पी ली है चाय वाई, बहन करी अपने फ्रेंड से बात, उसकी फ्रेंड का कॉल आया है, सबकी शादी हो गई है, तो उनकी अपनी गुपचुप गुपचुप बातें चल रही हैं। मेरे न्यू ईयर तो मुझे नहीं लग रहा कुछ नए है, ऐसे जा रहा है जैसे रोज के दिन आ रहे हैं, रोज के महीने आ रहे हैं, रोज के आ ही रहे कुछ ना कुछ,
तो बस मेरे भैया से सुबह शाम दिन रात बीत रही है, क्या करूं गाइस। बट कोई नहीं यार, क्या कर सकते हैं, ज्यादा ही ठंडी हो रही है यार हमारी ऋषिकेश में। मेरी देखो ना, कमरे में बैठ बैठ के ठंडी सी हो रही है, देखो मतलब बेड से उतरने का मन ही नहीं कर रहा। और देखो जरा मेरे ये हेडफोन्स, और ये देखो ये मैचिंग मैचिंग ब्लू ब्लू। मॉर्निंग हलवा बनाया था ना नन्नू, वही खा रही है। ये देखो मई नन्नू हलवा खा रही है यहाँ पे, कुन्नू कुन्नू चुन्नू चुन्नू सब खाती है। तो दाल भत्ती रोटी सब्जी हलवी भी खा रही है, हलवा खा ले, खा ले आराम से खा ले जो मैं कुन्नू कुन्नू। हमने सोने के लिए भाग गए थे और बस सोने की तैयारी कर रहे थे, मतलब तैयारी भी नहीं, सोए गए थे ऑलरेडी। तो मैं दोबारा से उठी, मैंने ना यार आप लोगों ने मैं गुड नाइट कहना ही भूल ही गई। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, डिनर मेरा हो चुका है। होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग, मिलते रहेंगे ऐसे नए नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और नन्नू भी यहाँ पे आ चुका है मेरा प्यारा।